इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। नगर निगम कोरबा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दीपिका पालिक अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सामान्य सभा बुलाने की भी मांग की। वैसे बता दें कि इस पर पालिक के 11 पार्षदों का हस्ताक्षर है, जहां चर्चा के दौरान भाजपा पार्षद अरुणेश तिवारी ने बताया कि पालिक अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोरबा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पालिका की सामान्य सभा बुलाने की मांग भी की गई। उन्होंने दावा किया कि पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों का विश्वास खो दिया। तिवारी ने आरोप लगाया कि 3 साल से अधिक समय गुजर गया है, लेकिन वार्डों में विकास के कार्य नहीं हुए। जहां कांग्रेस पार्षदों ने वार्डों में कुछ विकास कार्य किए, जबकि भाजपा पार्षदों के वार्डों में काम नहीं हुआ है। इसी बीच पालिका में विपक्ष के नेता अनूप यादव ने आरोप लगाया कि दीपिका पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा, इससे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। यादव ने बताया कि प्रशासन से हफ्ते भर में पालिका परिषद दीपिका की सामान्य बुलाने की मांग भी की गई, जहां भाजपा की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 11 पार्षदों के हस्ताक्षर भी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दीपिका पालिका परिषद में 21 वार्ड है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए सामान्य सभा की कार्यवाही में उपस्थित कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना जरूरी है, यानी कि सामान्य सभा की कार्यवाही में 21 पार्षद शामिल होते हैं तो अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 15 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। इन सभी को देखते हुए यह लगता है कि एक तरफ तो भाजपा को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, तो वहीं दूसरे तरफ भाजपा के ही सदस्यों को निकालने के लिए संगठन बनाते हैं। फेयरऑल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।